नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका शाहजहांपुर स्टेशन से बहुत बहुत स्वागत है। अब से जितने भी पूर्व में हमने वीडियोस किए हैं वो पीलीभीत शाहजहांपुर अमान परिवर्तन के ऊपर ही थे, और उसमें अधिकतर जितने भी वीडियोस थे शाहजहांपुर में वो जिधर अमान परिवर्तन का कार्य हो रहा, जिधर छोटी लाइन थी उस तरफ की बिल्डिंग और हमने उस तरफ के कार्यों को कवर किया था। आज हम जो शाहजहांपुर का हमारा स्टेशन है, मुख्य स्टेशन, उसको कवर कर रहे हैं, और ये बाहर का सर्कुलेटिंग एरिया है, और ये बिल्डिंग जिस पर आजकल पुताई रंगाई चल रही है आप देख सकते हैं, क्योंकि जो पीलीभीत से शाहजहांपुर तक अमान परिवर्तन का कार्य चल रहा था उसमें अब अंतिम चरण में आ गया वो कार्य, और ट्रैक लिंकिंग का कार्य जो है बहुत जल्द वो होगा, और शहबाज नगर से फिर शाहजहांपुर तक कमिश्नर रेलवे सेफ्टी निरीक्षण करेंगे। तो उसके मद्देनज़र भी यहाँ पर जो तैयारियाँ चल रही हैं, रंगो रगान अभी से देखिए बिल्डिंग को चमकाया जा रहा है, पूरी बिल्डिंग पर पेंटिंग और पुट्टी और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आपको दिख रहा होगा लेबर लगी हुई है, सीढ़ी लगी हुई है, ट्रॉली खड़ी सामने, और जगह जगह ये जो बिल्डिंग है इसको चमकाया जा रहा है ताकि जब ट्रैक लिंकिंग हो जाए और उसके बाद जो कार्य पूरे हो जाए अमान परिवर्तन के, तो जब भी कमिश्नर रेलवे सेफ्टी यहाँ आए तो उनको सब चीज़ बहुत साफ़ सुथरी एकदम चमकती हुई मिले। ये यहाँ पर देखिए शहीदों के प्रति जो सम्मान वो किया जा रहा है, और ये मुख्य एंट्रेंस है शाहजहांपुर स्टेशन की, जहाँ से आप भीतर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर प्रवेश करते हैं। इधर टिकट घर है, विंडो यहाँ पर, और ये अब हम आ गए अंदर शाहजहांपुर स्टेशन के अंदर मुख्य प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हम खड़े हैं। यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं, सन्नाटा फिलहाल पसरा हुआ है, आजकल जितने भी स्टेशन हैं जिधर भी आप नज़र डालिए हर प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की जो संख्या है हर स्टेशन पर वो सीमित है, और कोविड स्पेशल ट्रेन्स जो हैं रेलगाड़ियां उनका संचालन हो रहा है। सामने आप देख सकते हैं किस प्रकार से वैग 9 लोकोमोटिव मालगाड़ी को लेके जाता हुआ, वैगन्स को। ये अब हम चलते हैं पैदल पुल से ऊपर, पैदल पुल यहाँ का काफ़ी सकरा है, छोटा है, अगर आप जो नए स्टेशन सब बन रहे हैं अमान परिवर्तन के बाद या जहाँ पर भी पैदल पुल बनाया जा रहा है वो काफ़ी चौड़ा और काफ़ी बड़े बन रहे हैं रैंप के साथ। यहाँ पर जो ये ब्रिज है, जो स्ट्रक्चर है, वो फ़िलहाल उतना चौड़ा नहीं है, पुराना है, पहले के टाइम का ही, क्योंकि यहाँ बड़ी लाइन बहुत पहले से है और इलेक्ट्रिफाइड रूट है, मुरादाबाद मंडल में हमारे आता है, उत्तर रेलवे जोन है शाहजहांपुर स्टेशन। तो ओवरऑल व्यू एक हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे शाहजहांपुर के जो सब्सक्राइबर्स थे उनको भी ये उनकी डिमांड थी कि जो हमारा मुख्य स्टेशन है सर उसको भी एक बार चैनल पर आप ज़रूर दिखाइए, बाहर से और अंदर से पूरा व्यू। तो एक ओवरऑल व्यू हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस तरफ से, और वीडियो में आगे फिर हम आपको ढकाताल के पास जो ट्रैक का कार्य हो रहा है उसको दिखाएंगे, चलती हुई ट्रेन से पूरा व्यू आपको दिखाएंगे ट्रैक का, कितना वहाँ पर कार्य हुआ है, जो शहबाज नगर से ट्रैक आ रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं बराबर निरंतर मालगाड़ियाँ जो हैं वो निकल रही हैं। अभी कुछ देर पूर्व भी एक मालगाड़ी यहाँ से निकली थी, अब फिर से एक मालगाड़ी यहाँ पर देख सकते हैं, और पीले पीले गोले भी आपको दिख रहे होंगे प्लेटफॉर्म पर बने हुए बीच बीच में, क्योंकि कोरोना में जब लॉकडाउन हुआ था उसके बाद जब रेलगाड़ियों का संचालन स्पेशल ट्रेन्स के रूप में शुरू हुआ तो लोगों में दूरी बनाए रखने के लिए 2 गज़ की ये डिस्टेंस के लिए गोले यहाँ पर बनाए गए थे पेंट से, जो फ़िलहाल अभी भी बने हुए हैं। और अब वैक्सीनेशन शुरू हो गया तो अच्छी खबर यही है कि जल्द से जल्द सबको टीकाकरण हो जाएगा तो हालात सामान्य होंगे, तो रेलगाड़ियाँ जो यात्री गाड़ियाँ पैसेंजर ट्रेन हैं फिर वो भी बहाल हो सकेंगी, और धीरे धीरे जो गाड़ियों की संख्या है वो और बढ़ेगी तो उससे यात्रियों को फिर सुविधा मिलेगी। तो ये एक ओवरऑल व्यू शाहजहांपुर स्टेशन का आप देख सकते हैं, यहाँ से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पूरा नज़ारा। ठंडक का मौसम है और कोहरा देखिए लगा हुआ है, हल्का हल्का धूप आज भी नहीं निकली है, क्योंकि सर्दियों में कोहरा एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे रेलगाड़ियाँ भी लेट होती हैं। ये 2 नंबर का प्लेटफॉर्म आ गया, जिधर से हमारी लखनऊ से आने वाली जो रेलगाड़ियां हैं, जो अप लाइन है वो 2 नंबर लाइन से निकलती हैं गाड़ियां जो बरेली की दिशा में जाएंगी, और जो सामने मालगाड़ी जिधर 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ खड़ी है तो उधर फिर
जो गाड़ियां बरेली से हमारी आती हैं लखनऊ की दिशा में जाने वाली डाउन लाइन, वो जाती है। ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म है, इसके बगल में फिर 3 नंबर प्लेटफॉर्म है। तो ये मालगाड़ी जा रही है, डाउन लाइन पर जा रही है लखनऊ की दिशा में। काफ़ी व्यस्त स्टेशन है शाहजहाँपुर, और बहुत सारी जो लंबी दूरी की रेलगाड़ियाँ हैं उनका ठहराव होता है यहाँ पर। यहाँ से आप हावड़ा हो या पंजाब की दिशा में अमृतसर, जम्मू, दिल्ली, कई जगह की रेलगाड़ियाँ आपको यहाँ से मिल जाती हैं। काठगोदाम जाना हो तो बहुत जगह की रेलगाड़ियाँ यहाँ पर उनका ठहराव है शाहजहाँपुर में। ये अब हम बरेली की दिशा में बढ़ रहे हैं, और जो सामने आपको दिख रहा है जगह जगह चट्टे लगे हैं बैलास्ट के, उस दिशा में सामने की दिशा में जो पीलीभीत जंक्शन से लाइन आ रही है अमान परिवर्तन के बाद जो कार्य चल रहा है वो देखिए यहीं पर चल रहा है। और ये ढकाताल के पास अब हम पहुंच गए हैं, यहाँ पर बैलास्ट आपको दिख रहा है ढेर लगे हुए हैं। और यहीं पर ये जो ट्रैक आ रहा है ठीक इसके बगल में आप देख रहे हैं, इसी ट्रैक को लिंक किया जाएगा हमारी डाउन लाइन में जो दिल्ली से आ रही है बरेली होते हुए लखनऊ जाएगी, उसमें जोड़ा जाएगा। तो ये ट्रैक आप देख सकते हैं दाहिने हाथ पे जो चल रहा है, सामने आपको पुल दिख रहा होगा, ये देखिए ब्रिज आ गया ढकाताल का, और इसके बाद अभी ट्रैक बिछाया जाना बाकी है। तो जो ताज़ा सूरत हाल है, शनिवार के दिन का ये वीडियो है सैटरडे का, तो आप देख सकते हैं मिट्टी पटान कितने दूर तक कर दिया गया है, मशीनें लगी हुई हैं, और बहुत जल्द ट्रैक वर्क ये कम्प्लीट किया जाएगा। और फरवरी मुझे लगता है मेगा ब्लॉक जो मिलने की मुझे उम्मीद है, फरवरी के महीने में मुझे उम्मीद है कि शायद मेगा ब्लॉक मिले, ये मेरा अपना अंदाज़ा है एक। और जो भी अपडेट इस पर होगी वो हम आपको आगे बताएंगे, और उस पर बिल्कुल वीडियो आपको हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।